तो मैं वन नाइट में रुकी क्योंकि मुझे सिर्फ एकमात्र गुरुद्वारा ही पता था जहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बंगला है साहिब। हाँ जी ठीक है मैं वहाँ पे वन नाइट स्टे करने के लिए गई पर वहाँ पे जो मैंने रहने का देखा वो मुझे अच्छा नहीं लगा अच्छा। उसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सेफ हो तो मैं पूरी रात दरबार में ही बैठ के निकाल निकाल वहाँ पे मुझे एक भैया थे उनसे मैंने एक फोन मांगा कि भैया मुझे एक मिनट फोन दे दो मुझे कुछ सर्च करना है अच्छा आपके पास फोन भी नहीं है? नहीं मेरे पास पाती है everyone, बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने हमारी वीडियोस को इस टाइम पर हमारी वीडियोस को देश के हर कोने में देखा जा रहा है हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इन्हीं वीडियोस को देखकर क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है कि इस देश में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एक ऐसी संस्था है जो हर एक महिला हर एक बहन बेटी को अगर उसके घर में कोई भी परेशानी है तो उसको रहने की एक जगह देगी वो भी बिना किसी पैसे के अगर कोई बहन बेटी अपनी पढ़ाई कर रही है तो उसकी पढ़ाई का भी खर्चा वो ऑर्गेनाइजेशन खुद उठाएगी हम बात कर रहे हैं माइका स्वीट होम माइका स्वीट होम नजफगढ़ दिल्ली में है और यहाँ पर इस टाइम पे डेढ़ सौ से ज़्यादा महिलाएं बहन बेटियाँ रह रही हैं आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और मैम से और सुनते हैं उनकी क्या जर्नी रही और उन्हें किस वजह से यहाँ पर आना पड़ा नमस्कार मैम हेलो सर सबसे पहले तो मैम ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ पर आना पड़ा मेरा नाम नितिन है हाँ और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ जी एक्चुअली मैं यहाँ पे पहले जॉब करती थी पर मैं लास्ट ईयर छोड़ के चली गई थी आ, दिल्ली में हाँ जी ठीक है और थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से पर जब मैं दोबारा वापस आई हूँ तो मैं यहाँ कोई जानता तो मुझे कोई नहीं है ना तो इसीलिए मैंने पहले सर्च किया तो मैं पहले गुरुद्वारा रुकी वन नाइट में गुरुद्वारा में रुकी अच्छा मतलब जैसे आप चले गए थे अपने घर पे जब आप वहाँ से वापस आई ठीक है तो मैं वन नाइट गुरुद्वारा में रुकी क्योंकि मुझे सिर्फ एकमात्र गुरुद्वारा ही पता था जहाँ पे स्टे कर सकते हैं बंगला हाँ है जी ठीक है मैं वहाँ पे वन नाइट स्टे करने के लिए गई हाँ। पर वहाँ पे जो मैंने रहने का देखा वो मुझे अच्छा नहीं लगा अच्छा। उसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सेफ हो हाँ। तो मैं पूरी रात दरबार में ही बैठ के निकाल निकाल दिया आपने ठीक है मॉर्निंग में उठी और फिर थोड़ा सर्च किया इधर उधर पर कुछ नहीं मिल पा रहा था फिर मैं नेक्स्ट डे रेलवे स्टेशन रुकी आनंद विहार आनंद विहार वहाँ पे मुझे एक भैया थे उनसे मैंने एक फोन मांगा हाँ। कि भैया मुझे मिनट फोन दे दो मुझे हाँ। कुछ सर्च करना है अच्छा आपके पास फोन भी नहीं नहीं था। मेरे पास फोन है पर छोटा फोन है तो अच्छा। उसमें मैं सर्च नहीं कर पाती ठीक है वहाँ से उन्होंने सर्च किया मैंने दो तीन नंबर लिखे तब मैंने यहाँ का मुझे पता चला तो आपने गूगल पे सर्च क्या किया था मैंने वहाँ पे बस एक फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल सर्च किया था मतलब हाँ आपने गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स हॉस्टल सर्च किया था तो आपको वहां पे दो तीन आए उसमें हाँ कहीं एक आपको हमारा नाम मिला हाँ 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 स्वीट हाँ जी हाँ जी तो माइका स्वीट होम जब आपने वर्ड पढ़ा तो मतलब जैसे आप जब सर्च कर रहे थे जो भी नाम आ रहे थे आपने पढ़े ही होंगे डेफिनेटली तो जब आपने माई स्वीट होम पढ़ा तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया उसको पढ़कर एक्चुअली मैं यहाँ से पहले एक बार स्वर्ग आश्रम गई स्वर्गा हाँ, वहाँ पे मैंने देखा हरिनगर साइड है ठीक है वहाँ मैं देखा फिर मुझे अच्छा नहीं लगा अच्छा नहीं लगा ठीक तो है तो मैं उन्होंने मुझसे पूछा किस लिए आए थे मैंने बोला सिर्फ देखने आई थी और मैं वापस आ गई ठीक है ठीक फिर मैं यहाँ आई मैं आके यहाँ पे देखने आई उन्होंने पूछा मुझसे कैसे लगा तो उस टाइम मैं बिल्कुल कन्फ्यूज थी क्योंकि जल्दी से विश्वास नहीं होता किसी भी चीज़ पे बिल्कुल क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आज के टाइम में तो अपना रिलेशन वाला भी ना रखे बहुत अच्छी बात कही आपने और ठेके? सत्य भी है फ्री ऑफ कॉस्ट तो रिलेशन वाला भी नहीं रखेगा तो ये कैसे रख रहे हैं तो उसके लिए मैं आई यहाँ पे बैठी कुछ देखा और फिर थोड़े टाइम बाद चली गई चलेगा ठीक है फिर मैं आई खुशबू मैम से मिली उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तब मैं कोई चीज नहीं लाई थी बस ऐसे ही आई थी ठीक है इंक्वायरी के उससे तो उन्होंने मुझे कहा कि आधार कार्ड वगैरह आपका चाहिए होगा तो और आपके फादर का कॉन्टेक्ट नंबर तभी हम आपको रख पाएंगे ठीक है तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि अगर फादर का कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहे हैं तो इसका मतलब मेरी इंक्वायरी फादर तक जाएगी हाँ। तो ऑर्गेनाइजेशन तभी फादर या रिलेशन वालों को इंक्लूड करेगी जब उसका ट्रस्ट होगा उसके अंदर ट्रस्ट होगा हां जी नहीं तो कोई फ्रॉड होगा वो कभी भी मेरे घर वालों को या किसी को भी मेरा पता ही क्यों बताएगा और आपके घर में कौन-कौन है मेरे घर में मेरी सिस्टर है मेरा ब्रदर है और मतलब सब मैरिड है और मेरे मम्मी पापा हैं तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ गया मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी घर में एक्चुअली ज्यादा इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है पर यह है कि मैं अनमेरिड हूँ क्या एज है आपके एज है हाँ शादी आपने की ही नहीं नहीं मैंने शादी नहीं की कोई स्पेसिफिक रीजन ऐसे नहीं बस... ऐसे कोई रीजन नहीं था पहले पढ़ाई के टाइम में ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं, नहीं। है और फिर जॉब करते करते कभी इतना मतलब मैं इतनी सोच लो उसमें लीन हो गई कि मैंने कभी शादी जैसी चीज सोची नहीं सोची नहीं ठीक बस अपने पैरों पे स्टैंड होना सबसे पहले सोचा है ठीक है आपने क्या पढ़ाई कर रखी है मैंने एमबीए किया हुआ है और क्या आपने कभी लाइफ में सोचा था कि एक कोई ऐसा मोड आ सकता है जिंदगी में कि आपको किसी अनाथ आश्रम में रहना पड़ेगा क्योंकि आपने एमबीए कर रखी है आप जॉब भी आपने बताया बहुत अच्छी जगह कर रहे थे तो क्या कभी कभी ख्याल आया था? नहीं बिल्कुल ख्याल नहीं आया था फिर जब मैंने यहाँ आई थी तो मैंने सोचा था कि यहाँ से मैं बहुत जल्द चली जाऊंगी पर मुझे रहते रहते इतना अच्छा लगने लगा यहाँ पे अब मुझे थोड़े दिनों में बन मंथ हो जाएगा

मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती ठीक है और यहाँ पे और जो लोग रह रहे हैं तो उनसे आपको क्या सीखने को मिला क्योंकि आपने पढ़ाई भी कर रखी है आपने नौकरी भी कर रखी है आपने आपने लाइफ लाइफ के बहुत बहुत ऊंचे वाले फेज फेज भी भी देखे और एक आपने का डाउन, देखा, देखा तो डेफिनेटली यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा मैंने मोस्टली कुछ सीखा ना सीखा बस किचन का काम बहुत अच्छे से सीख लिया पहले नहीं आता था पहले एक्चुअली मैं किचन तक नहीं गई थी घर ठीक है पर यहाँ पे मैंने बच्चों से मैं बड़ों की बात नहीं कहूंगी बच्चों से जो है गर्ल्स लड़कियाँ रहनी है उनसे मैंने किचन का काम बहुत अच्छे से सीखा है रोटियां बनाना सब्जी बनाना पहले मुझे नहीं आता था ट्रस्ट में और फिर से मैं वही क्वेश्चन क्या आपने कभी भी उम्मीद की थी कि लाइफ में आपके ये फेज आ सकता है इतना नहीं मैंने कभी नहीं किया था कि मैं ऐसे किसी अनाथालय में क्या किसी भी ट्रस्ट में जाऊंगी पर हाँ इतना सपना था कि मैं एक बार ना ट्रस्ट के लोगों से लोग कैसे वो चलाते हैं पर मुझे लगता है कि यहाँ के वो सपना भी मेरा पूरा हो गया अच्छा जो आपने सवाल बोला कि ट्रस्ट के लोगों से मिलना चाहते हाँ। थे वो तो कैसे चलाते हैं तो यहाँ पे ये कोई ट्रस्ट वैसे नहीं है हाँ। यहाँ पे एक इंसान है वो अकेले हाँ जी सिंगल हैंडेडली इसको चला यही तो सबसे अच्छा लगा एक सिंगल पर्सन एक सिंगल फाउंडर है जो इस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के बाद भी और वो कोई चीज़ की मांग भी नहीं करते और सिर्फ देना ही उनकी आदत है आदत। मैं आपको एक यहाँ पे बहुत बड़ा सत्य बताऊंगा आपने अगर हमारे चैनल पे पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें अक्सर एक लाइन बोली है कि अगर आपको कुछ भी डोनेशन करना है तो हमारी बैंक डिटेल्स यहाँ पर है आप यकीन नहीं मानोगे कि जो यहाँ के फाउंडर हैं उन्होंने मुझे कभी ये बात नहीं बोली है ये मैंने खुद से बोला वीडियोस में कि अगर आप लोग कुछ डोनेट करना चाहो तो ये हमारी बैंक डिटेल्स हैं वरना उन्होंने आज तक मतलब उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अरुण आप वीडियोस में बस इतना बोलना कि कोई भी महिला कोई भी बहन बेटी जिसको जरूरत है वो इस देश के किसी भी कोने में है वो यहाँ आकर रह सकती है बिल्कुल मुफ्त में वो सर उनके देखने से ही लगता है कि वो कभी देने ही वाले हैं वो किसी से लेने वाले, लेने वाले में से नहीं।, नहीं है उन्होंने यहाँ पर जो भी महिला आई हैं उनको हमेशा दिया ही, है, दिया ही है उन्होंने कुछ लिया नहीं अच्छा आप क्योंकि दिल्ली में रहे भी है हाँ दस साल करीबन हाँ, रहे दस हैं साल लगभग हो गया आप वैसे यूपी से हैं हाँ जी। दस साल आप दिल्ली में रहे आपको दिल्ली के माहौल के माहौल बारे में भी अच्छे से पता हाँ, है। बहुत अच्छे से से पता है बहुत जब आपने ये संस्था देखी दिल्ली में तो क्या आपको विश्वास हुआ कि यार दिल्ली में कोई इतना अच्छा काम भी कर रहा है नहीं पहले नहीं हुआ था मैं दो बार यहाँ बोल रही हूँ इंक्वायरी करके जा चुकी थी क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता आज के टाइम में भी दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में कोई एक रुपए के बदले तुम्हें कुछ दे दे और वो अब आप बोल रहे यहाँ तो सब चीज फ्री में मिल रहा है आपकी फिर से नौकरी लग गई है हाँ जी मेरी फिर से फोर्टिस गुड़गांव में जॉब लग गई तो अब आप यहाँ से चले जाएंगे मैं यहाँ से जा रही हूँ पर सोचती रहती हूँ कि आज जाऊँ कल जाऊँ अभी मेरा जाने का वैसा मन नहीं हो पा रहा है बना पर जाना तो पड़ेगा पर यह है कि मैं मन बना नहीं पा रही हूँ फिर भी भैया मुझे बोल भी रहे हैं कि आप यहाँ से भी कर सकते हो हाँ। पर यह है कि थोड़ा डिस्टेंस है दूर हाँ। नहीं तो, मुझे यहां रहना बहुत अच्छा लग रहा है हाँ। आपने शादी नहीं की उसके साथ में आपने अपनी पढ़ाई की आपने जॉब भी की हाँ। आप आज खुश हो आपको कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं कोई डिप्रेशन कुछ नहीं मैं बहुत हैप्पी हूँ उसके पीछे एक रीजन जो मेरा मानना है कि आप इंडिपेंडेंट रहे हो स्टार्टिंग से आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो आप कोई सवाल नहीं उठा सकता ये रियलिटी है अगर हर लड़की डिपेंडेंट हो जाए ना तो शायद लाइफ में कोई इतना बड़ा मोड़ नहीं आएगा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, है। और यहाँ पे भैया जब रहते हैं तो उन्हें वो बोलते हैं सिलाई सिखा रहे हैं है। कंप्यूटर क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग है, है। वो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना भी चाह रहे हैं बिल्कुल भैया की कोशिश है यहाँ से जो भी निकले वो इंडिपेंडेंट अपने पैरों पर खड़ा होके ही निकले आपका क्या मानना है कि एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है सर आज का जो माहौल है पता नहीं कब क्या मोड़ आ जाए और लड़की अगर इंडिपेंडेंट होगी अपने पैरों पे वो किसी का सहारा नहीं ढूंढेगी वो कम से कम वो अपना तो खर्च उठा सकती है बहुत आराम से किसी का आगे हाथ नहीं फैलाएगी तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर सोसाइटी गलत, सोसाइट, कामों, में, गलत, गलत कामों, में। कामों में नहीं जाएगी गलत सोच भी नहीं रखेगी और दूसरी बात वो गलत साइड देखेगी भी नहीं उसे इंडिपेंडेंट होगी तो आज के टाइम में हो क्या रहा है कि जो भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं इस टाइम पे वो मोस्टली कौन से केसेस हैं कि लड़की थी इसलिए भेज दिया जी ठीक है या फिर वो केसेस आ रहे हैं कि गांव में रह रहे हैं चार बेटियां हो गई इनको कौन पढ़ाएगा वो केसेस आ रहे हैं या फिर ऐसे केसेस आ रहे हैं उन उन महिलाओं के जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है उनके परिवार वाले उनको परेशान कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं तो मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की मोस्टली केसेज में जो महिलाएँ थीं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी जितने भी हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं अगर आप okay. वो उठा के देख लो मैं ये नहीं कह रहा हंड्रेड परसेंट बात okay. नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं बात करूँ एटी परसेंट हमारे पास वो केसेस जहाँ पे महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है okay. वहां पे पुरुष उस चीज का फायदा उठाते हैं okay. कि जाएगी तो जाएगी कहा जाएगी वो मेन चीज है कि कहा जाएगी पर मैं कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि एक जगह है दिल्ली नजफगढ़ में अविनाश जैन भैया के यहाँ पे कि उन्हें यहाँ जगह मिलेगी हाँ। और भैया उन्हें इंडिपेंडेंट भी बनाएंगे अगर उनमें लगन है तो, तो भैया उन्हें हर तरह से उनका साथ देंगे मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक महिला रह रही हैं वो शायद तीस साल उनकी उम्र है और उनके बच्चे भी हैं और वो इस टाइम पे टेंथ के बोर्ड के एग्जाम फिर से दे रही हैं okay. अब वो आगे कह रही हैं के बाद मैं इलेवन ट्वेल्थ करूंगी उसके बाद मैं ओपन से ग्रेजुएशन भी करूंगी द रीजन इज कि वो यहाँ पे रह के अब वो कह रहे कि मेरी जो पुरानी जिंदगी थी वो तो मेरी ख़राब हो गई लेकिन जो मेरी आने वाली जिंदगी है उसको संवारूँगी मैं करेक्ट नई नई जिंदगी उन्हें ऐसे ही चलानी चाहिए यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जो माइका स्वीट होम में आके रह रहे हैं ये उनका दूसरा जन्म है और हम किसी भी महिला किसी भी बहन बेटी को हम रोकते नहीं हैं वो जो करना चाहती हैं जो पढ़ना चाहती हैं उसमें उनकी सहायता की जाती है और यहाँ पे मैम बैठी हैं ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज एक महीने जब ये यह यहाँ पे रही इन्होंने नौकरी ढूंढ ली तो इन्हें रोका नहीं गया नहीं नहीं आप तो अब यहीं रहोगे आपको तो यहीं सेवा करनी है आप यहाँ से जा नहीं सकते इन्हें एक बार भी रोका नहीं गया इनकी नौकरी इन्होंने यहाँ पर रह के ढूँढी तो भी इन्हें बोला गया कि आप यहाँ से रह के भी अपनी नौकरी कर सकते हो तो ये है हमारा माइका स्वीट होम और इस तरीके से यहाँ पर डेढ़ सौ से ज़्यादा महिलाएं बहन बेटियाँ रह रही हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगी होगी थोड़ी सी ये वीडियो अलग भी थी कि क्यों ज़रूरी है एक लड़की का एक महिला का पढ़ा लिखा होना और उसके साथ साथ नौकरी करना इस YouTube के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि किसी न किसी ऐसी महिला तक ये वीडियो पहुँच पाए जिसे इस मायका की ज़रूरत है हमारी वीडियो में आप बीच बीच में देखते होंगे कि एड्रेस आता है इस एड्रेस पर आप लोग आ सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है अगर आपके ससुराल वाले आपको परेशान कर रहे हैं अगर आपके हस्बैंड आपको मार रहे हैं हमारी यूट्यूब की वीडियोस देखकर हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं क्योंकि इन वीडियो से अब लोगों को विश्वास हो चुका है कि हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सुरक्षित हैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद